बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम है अहमद रज़ा अशरफ और आप देख रहे हैं रज़ा एआई ओयू स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो बीए और बीएड के जो पेपर कैंसिल हुए थे उनकी नई तारीखों का जो है वो ऐलान हो चुका है। मैंने स्टूडेंट्स से कहा था कि जैसे डेट्स आएंगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ उन डेट्स को शेयर कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स जो है जिनके पेपर्स थे और वो पेंडेमिक जो हुआ था पिछले दिनों पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी की वजह से पेपर कैंसिल हुए थे, तो उन पेपर्स की जो नई डेट्स हैं उनकी वो नई डेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बगैर टाइम इसे वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तक पहुँचते रहे। तो स्टूडेंट्स ये देखें, मैंने कुछ तारीखें लिखी हुई हैं जो पहले जो कि कैंसिल हो चुके थे पेपर उनकी ये तारीखें हैं। एक 10 मई का पर्चा कैंसिल हुआ था, एक 11 मई का पर्चा कैंसिल हुआ था, 12 मई का और 13 मई का। इन चार तारीखों के जो है वो पर्चे कैंसिल हुए थे और अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कहा था कि उनकी नई डेट्स जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दी जाएंगी और उन यूनिवर्सिटी ने डेट्स को शेयर कर दिया है। ये बीए बीएड के जो अभी पेपर हुए हैं जिन दिनों में इमरान की गिरफ्तारी हुई थी उनकी नई तारीखें हैं। तो जो 10 मई को जो पर्चा कैंसिल हुआ था उसकी नई तारीख जो है यूनिवर्सिटी ने दी है वो 22 जून 2023 है। ठीक है, ये 22 जून 2023 को जो है वो 10 मई का जो पर्चा है वो यूनिवर्सिटी ने जो है वो उसका नई डेट दी है। ये स्टूडेंट जो है अपनी ओल्ड रोल नंबर स्लिप ही लेके इस डेट को जाके अपना पर्चा उसी सेंटर में जाके देंगे। ठीक है, और जो 11 मई को जो पेपर कैंसिल हुआ था बीए और बीएड का उसकी जो डेट है वो 23 है, 23 जून 2023। ठीक है, 11 मई को 23 जून 2023 और 12 मई का 24 जून 2023 है। ठीक है, और लास्ट में जो 13 मई का जो है उसकी जो डेट है वो 25 की गलबन छुट्टी है, इतवार है, और ये 26 जून 2023। ठीक है, ये चार डेट्स जो है यूनिवर्सिटी ने नई डेट्स का ऐलान कर दिया है। तो जिन स्टूडेंट्स के पेपर कैंसिल हुए थे इस डेट के वो अब इस और इस डेट पे जाकर अपने पेपर दे सकते हैं। मुझे कोई क्वेश्चन है तो अपने कमेंट सेक्शन में या मेरे नंबर पर रब्ता कर लें। अपने दुआ में याद रखिएगा, किसी किस्म की मजीद मालूमात चाहिए होगी तो हम इंशाल्लाह आपके लिए हम वक्त मुहैया रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।